मेरी जान कच्चा बनियान, अरे देख कौन आया रे, तेरा दोस्त आया, तेरा यार, अबे तिवारी, अबे दुनिया भर की बीमारी, अबे कहाँ है तू? भरपति जी, कहाँ है? इस तरह से लड्डू के भैया को बुला रहे हैं, हाँ? अरे भाई क्यों ना बोलूं? मेरी जान है, कच्चा बनियान है, मेरा दोस्त है, मेरा आड़ी है। आपका आड़ी है? हाँ, हमारी जान है, कच्चा बनियान है, हमारा दोस्त है, हमारा अजीज है, आई लव यू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आई लव यू सो मच। हेलो, मैं आपसे उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कल तक तो आप एक दूसरे से चिढ़ते थे, आज आपका आड़ी बन गया। अरे वो चिड़ नहीं थी पगली, वो हमारे दोस्त के प्रति हमारी मोहब्बत थी। अब दोस्ती में जब तक गाली गलौच ना हो, नफरत ना हो, दोस्ती में मजा नहीं आता। क्यों बना ले? अबे साले कच्चे बनियान है, अबे साले बबूतिये बबूतिये, अबे साले जलील इंसान, अबे साले बेरोजगारी की मिट्टी में पैदा होने वाले निकम्मे पौधे। अदिया, कहे आप एक दूसरे के गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, हाँ? अरे भाभी जी, ये हमारा दोस्त है, हमारी जान है, कच्चा बनियान है। अरे ये हमारे जिगर का छल्ला है, भले ही नल्ला है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तिवारी, एक तुझसे बात पूछू? बोलना नल्ले। तूरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं बोलना यार, तेरी औकात से ज्यादा तुझे अच्छी बीवी मिली है। एक बात बोलू बहुती है? बोलना। बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। आपको भी आपकी औकात से ज्यादा अच्छी बीवी मिली है। आई लीजिए खाना, जय और वीरू। ये दो अलग अलग प्लेटों में खाना काहे नहीं पगली? आप दोनों पगलों के लिए है? हमरा मतलब आप दोनों दोस्तों के लिए। तुम भी ना एक नंबर की पगलैट हो। अरे हम अपने नल्ले के साथ दो प्लेट में कैसे खाएंगे? भाभी जी, हम दोनों दो जिस्म एक जान है, आज से हम दोनों एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, कच्चे बनियान। और आज से हम अभी से एक ही कच्चा बनियान पहनेंगे। लाओ 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 पगली। अरे तिवारी, आज तू मेरे हाथ से खाना खा यार, मेरे यार। आ आ चप चप की। कैसा है? तेरी उंगली से अचार भी बहुत बढ़िया लग रहा है। सुना तिवारी, आई लव यू यार। आई लव यू टू यार। पता नहीं अंगूठी जी, मैं ये इन दोनों की अजीबो गरीब दोस्ती ना पचा नहीं पा रही हूँ। ऐसी अजीब और गरीब दोस्ती मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। ऐसा काहे कह रही हैं आप? अरे अंगूरी जी, सीधी सी बात है, कल तक ये दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे कि जब तक एक दूसरे से झगड़ा ना कर ले, इनका खाना नहीं पचता था। हाँ बिल्कुल सही कह रही है अनीता जी, और अभी ऐसा हो गया है कि जब तक वो एक दूसरे को देख ना ही लेते, तब तक खाना हजम ना ही होता है। एग्जैक्टली। well, ये दोस्ती है, दोस्त की मोहब्बत है, इसकी गहराई सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने कभी दोस्ती की हो। एक्सक्यूज मी मिश्रा जी, हमने दोस्ती की भी है, निभाई भी है, किस्से कहानियों में सुनी भी है और देखी भी है, लेकिन आप जैसी अजीबोगरीब दोस्ती मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। मिश्रा इन, आप तो जानती है कि हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया जुनून की हद तक किया। आपसे मोहब्बत की जुनून की हद तक, और भाभी जी को चाहा जुनून की हद तक, और अब हम उस मेरी जान कच्चे बनियान से दोस्ती कर रहे हैं, वो भी जुनून की हद तक। लेकिन कल तक तो आप एक दूसरे के दुश्मन थे। भाभी जी, आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही कोई पुराना दोस्त होता है, और इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका ही कोई पुराना दुश्मन होता है।
हमने कहीं ना ही सुना। Never mind, अगर आपने नहीं सुना है तो आप देख लीजिएगा कि हम दोनों दोस्ती की मिसाल कायम करेंगे, हमारी दोस्ती के किस्से कहानियां लिखे जाएंगे, हमारी दोस्ती एक एक तवारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। लोग हमारी कस्में खाएंगे, हमारी या कस्में खाएंगे या। एक मिनट विभू, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है और ये तुमने किसकी अंगूठी पहन रखी है? हाय दिया, ये हमारे लड्डू के भैया की अंगूठी है। Well, मैंने और तिवारी जी ने अंगूठियां बदलनी है। और भी एक चीज एक्सचेंज की है, बट I'm sorry. तुम लोग दोस्ती कर रहे हो या शादी कर रहे हो? अगर इस दुनिया में कोई ऐसा रिवाज होता तो हम वो भी कल गुजरते। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अनिता जी, दोनों शादी कर लेंगे तो हम दोनों का क्या होगा? अरे अंगूरी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया इन दोनों को? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बंगलों में शिफ्ट करूं या ना करूं। पता चला बंगलों में शिफ्ट किया, पीछे पीछे तिवारी जी भी शिफ्ट हो गए। अनिता जी, अरे अंगूरी जी, क्या हुआ? आप बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। अनिता जी, लड्डू के भैया को बहुत तगड़ा फेवर चढ़ा है। फेवर? ओ, आपका मतलब है फीवर चढ़ा है? सही पकड़े हैं। ओ, तो आप डॉक्टर को बुलाइए ना। हम डॉक्टर को बुला ही रहे थे, लेकिन लड्डू के भैया बोले कि हमको कोनो डॉक्टर ठीक ना ही कर सकता है। अरे, डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता तो क्या वकील ठीक कर सकता है? तिवारी जी भी कभी कभी अजीब बातें करते हैं। नहीं, वो बोले कि हमरा ई बुखार सिर्फ हमरी जान, हमरे जिगर का छल्ला नल्ला निठल्ला, हमरा प्यारा दोस्त भरभूती जी ठीक कर सकता है। और मैं भी देख रही हूँ कि विभू सुबह से बेडरूम से बाहर ही नहीं निकला है। मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रहा है बेडरूम में। चलिए चल के देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ चलिए चलिए। ओहो विभू उठो। अरे ये कुछ सोने का वक्त है, उठो। विभू उठो। अरे अंगूरी जी, ये तो उठ ही नहीं रहा है। अब भरभूती जी, उठिए, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको बुला रहे हैं। अंगूरी जी, आपका मतलब है बेस्ट फ्रेंड? सही पकड़े हैं। हाँ, उठिए भरभूती जी, उठिए, आपके दोस्त का तबीयत खराब है, वो आपको पुकार रहे हैं। विभू अब उठो भी ना, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? देखिए उनके हाथ में चिट्ठी लगा हुआ है। ओह माय गॉड, अंगूरी जी के विभू ने। हाँ नहीं, देखिए सांसें चल रही है, लेकिन इसके हाथ से चिट्ठी भी निकल रही है, ये जोर से पकड़ रखा है। अब देखिए फटना जाए, खींचे। भगवान विभू, क्या? ए मेरी और मेरे अजीज कच्छा बनियान की दोस्ती के दुश्मन। आई दोस्ती का दुश्मन कौन है? हा? वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं अंगूरी जी। हो सके तो मेरा ये आखिरी संदेश मेरे यार तक पहुंचा देना। आखिरी संदेश? ए मेरे अजीज दोस्त कच्छा बनियान, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरे मेरे बीच जो दोस्ती का ब्रिज बना है, उस ब्रिज पर एक खूबसूरत हसीना अपनी ख्वाहिशों का बुलडोजर चलाने पे आमादा है। आई कौन से ब्रिज पर बुलडोजर चलाने का बात कर रहे हैं? मुझे, मैं समझाती हूँ आपको, समझाती हूँ। और मैं इस ब्रिज पर बुलडोजर चलते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए ये नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर हमेशा हमेशा के लिए सो रहा हूँ। तू भी धतूरा खा के सो जा, सीधे ऊपर मुलाकात होगी। नो, सारी खा ली है। गुरु जी देखिए देखिए, इसकी सांसें चल रही है या नहीं, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। अनिता जी, ये लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।